साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तबीयत नासाजी के बावजूद कोट लखपत जेल से हस्पताल मुंतकिल होने से इनकार। हुकूमत ने तबीयत खराब होने पर नवाज शरीफ को PIC मुंतकिल करने का फैसला किया था। मरियम नवाज वालिद की नासाज तबीयत पर अफसरदा। ट्विटर पर फ्री नवाज शरीफ के स्लोगन से नवाज शरीफ की तस्वीर भी शेयर कर दी। मैंने आज बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। कहा कि हर इंसान की कोई इज्जत होती है, मैं एक अस्पताल से दूसरे में धकेले जाने को तैयार नहीं, इलाज भी नहीं किया जाता इस वक्त, इनसे राब्ते की ना कोई सूरत है ना ही इजाजत। आप दुआ कीजिएगा, मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत का मामला, तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल। कहते हैं, नवाज शरीफ पंजाब के जिस हस्पताल में चाहें इलाज करवाया जा सकता है, मगर नवाज शरीफ की जानिब से इलाज से मुकम्मल इनकार किया गया। साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान को तिब्बी मुआयने के बाद नैब हुकाम ने जेल में मुंतकिल किया। एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान अब्दुल अलीम खान के वकील ने कैंप जेल के बजाय कोट लखपत जेल में मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़ बयान महंगा पड़ गया। फयाजुल हसन चौहान की हो गई छुट्टी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़ीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। समसाम बुखारी को वज़ीर इत्तला'आत पंजाब बनाने का फैसला आज गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की थी। फयाजुल हसन चौहान का मुतनाज़ बयान पर मुतहदा अपोजिशन का मुतालबा काम कर गया। पंजाब असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे का मुतालबा किया और करारदाद भी जमा करवाई। फयाजुल हसन चौहान की असम्बली आमद पर मुहासरे का भी ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा ने असम्बली रुकनियत खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। खलील ताहिर सिंधु ने ऐवान से वॉकआउट किया। बोले, हमें इस धरती से इज्जत मिली, फयाजुल हसन चौहान की बात से दिल आजारी हुई। डिप्टी स्पीकर भी फयाजुल हसन चौहान के बयान पर नाराज। वजीर आजम को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का फयाजुल हसन चौहान के बयान पर रद्द अमल। अकलियत को अकलियत नहीं बल्कि पाकिस्तानी कहना चाहिए, राणा मोहम्मद इकबाल। सूबाई वजीर बशारत राजा भी वज़रा की ऐसी बयानबाजी से नाखुश। नाम लिए बगैर बोले, किसी भी वजीर को मुतनाज़े बयान से गुरेज करना चाहिए। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की अलहमरा आर्ट काउंसिल में अलविदाई मुलाकातें। मीडिया और थिएटर एडवाइजरी कमेटियों के मेंबरान और चेयरमैन से मुलाकात की। कहते हैं, आप सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। वजीर आजम अपनी अना के घोड़े से नीचे उतरें, कोई NRO नहीं मांग रहा, अगर इस वक्त यकजहती को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की और पाक फौज ने जवाब दिया। मोदी हुकूमत पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें मुनासिब सिफारती ताल्लुकात चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पंजाब पुलिस की वर्दी की तब्दीली का एक बार फिर झंझट। पंजाब पुलिस काली और ग्रीन के बाद अब नजर आएगी ब्लू वर्दी में। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। नए माली साल के आगाज से एहलकार डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट पहनेंगे। नए यूनिफॉर्म से पुलिस का सॉफ्ट इमेज उजागर होगा। उस्मान बुज़दार, पुलिस की पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियां खरीदने के लिए काबिल अमल मॉडल तैयार करने की भी हिदायत।